हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम जीएसटी इनेबल कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाना चालू करते हैं। अल्ट के साथ F3 दबाइए और यहां से सी प्रेस कीजिए। सी प्रेस करेंगे तो ये कंपनी वाला फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहां पे हम नाम डालेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैं एक कंपनी बनाता हूं ईस्ट एंड वेस्ट नाम से। ईस्ट एंड वेस्ट नाम से हमने कंपनी बना ली और यहां से एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस है हमारा न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हो गया एड्रेस हमारा, ठीक है। यहाँ पे कॉलोनी में स्पेलिंग छूट गई है, इसको सही कर लेते हैं। न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हो गया, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। इंडिया, स्टेट डालना बहुत ही कंपलसरी है तो स्टेट जरूर डालिएगा आप। ये हो गया। पिन कोड यहाँ डालेंगे 274001, पिन कोड डाल दिया हमने। और यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर वेबसाइट वगैरह है आपका वो डाल सकते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। काम कब से चालू हो रहा है हमारा, तो 2 अप्रैल से चालू हो रहा है, तो यहाँ 2/4/2019 कर देते हैं हम। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अभी जो कंपनी हमने बनाई है उसका नाम है ईस्ट एंड वेस्ट। बाकी कंपनियों को हमें सेट करना है, बंद करना है, तो यहां से जिस भी कंपनी को बंद करना है यहां आएंगे और यहां सेट कंपनी पर क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी में हम आ चुके हैं। यहां पर हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें जीएसटी इनेबल करना है। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से बाहर आ जाएंगे और यहां से आपको प्रेस करना है F11 की, ठीक है। तो यहां से F11 की प्रेस करते ही कंपनी फीचर्स की विंडो पे आएंगे और यहां से आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन चूज करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ठीक है। यहां स्टेटरी एंड टैक्सेशन वाला बॉक्स खुल जाएगा। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको करना है यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी करना है यस, ठीक है। ये विंडो खुलेगी, यहां पर आपको रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होना है। कंपोजिशन स्कीम में अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो आप 3 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं और रेगुलर वाले हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं, तो हम इसको रेगुलर रखेंगे। अभी ये दिया हुआ है एससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको अभी हम नो रखेंगे। जीएसटी वाईएन के बारे में बताना चाहता हूं। पहला 2 कोड जो हम लिखते हैं वो स्टेट का कोड होता है, बाकी आपके पैन नंबर से रिलेटेड कोई भी कोड हो सकता है वो, ठीक है। एंटरफेस करता हूं, इसको ये वेरीफाई करेगा। एप्लीकेबल हो रहा है 2 अप्रैल 2019 से। आपको ये भी ध्यान देना है कि जीएसटी आपका एप्लीकेबल हुआ है 2017 से, वो भी जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हम मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथली हम रखेंगे। ईवे बिल को मैं नो करता हूं और यहां से एंटर करके यहां पर आ जाएंगे। तो यहां से सेट अल्टर, अब यहां पे भी हमको यस करना है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को, तो ये विंडो खुल करके आएगी। ऐसी विंडो अगर नहीं आ रही है तो आप प्रेस करेंगे F12, ठीक है। और यहां से दिया हुआ है अलाउ HSN/SSC डिटेल्स, तो इसको आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइएगा, यहां पर दिया हुआ है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, तो इसको भी यस रखिएगा। मेरा पहले से यस है, मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आइटम नंबर वन, ये डाल दिया हमने। एंटर प्रेस किया, यहां पर कोई भी आइटम का नाम आप डाल सकते हैं, यहां पे HSN कोड डाल सकते हैं हम। एंटर प्रेस करेंगे। एग्जेम्प्टेड यानी कि जिनको जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया है जिन सामानों को। निल रेटेड जिन पर टैक्स तो लगता है, जीएसटी तो लगता है लेकिन 0%। और टैक्सेबल यानी कि जिन पर टैक्स लगेगा, तो एंटर प्रेस करेंगे। और यहां इंटीग्रेटेड टैक्स दिया हुआ है, तो यहां हम 14% डिसाइड करते हैं और 14% के हिसाब से 7% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ चुका है। सेस को हम बाद में सीखेंगे। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और यहां से भी इसको एक्सेप्ट करा लेंगे अब। तो ये हमारा हो गया जीएसटी इनेबल। अब हमको तमाम लेजर्स बनाने हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो पे जाएंगे हम और यहाँ लेजर्स पे जाएंगे। सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सन्ड्री डेटर का लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर पार्टी का नाम, जिसका नाम है अशोक, ठीक है। और ये डेटर है तो मैं यहां डेप्टर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि पहचान हो। और यहां पे सन्ड्री डेटर होगा, क्रेडिटर नहीं होगा, तो यहां से चूज कर लीजिए आप सन्ड्री डेटर ग्रुप में जाके लिस्ट ऑफ ग्रुप में से। और यहां पे एंटर प्रेस करते हुए और यहां पे एड्रेस डाल दीजिए इनका, तो एड्रेस सेम रहेगा। तो ये एड्रेस डाल दिया हमने, एक्सेप्ट कराया इसको रेगुलर स्कीम, ठीक है। ये हो गया सन्ड्री डेटर, ठीक है। अब सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना है, तो हो गया रमेश। रमेश जो है सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहां मैं कर देता हूं क्रेडिटर
ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे सन्डरी डेटर की जगह अब हो जाएगा सन्डरी क्रेडिटर, तो ये ऊपर ही है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये भी मैं सेम एड्रेस डाल देता हूं, सेम राज्य में हम बेच रहे हैं माल, तो यहां न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब हमें अगला जो लेजर बनाना है वो परचेज अकाउंट का बनाना है, तो यहां परचेज अकाउंट का हमने बना लिया लेजर, अंडर में जाएगा परचेज अकाउंट, ये हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और टाइप में गुड्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट कराइए इसको, ये हो गया। अब परचेज अकाउंट बना लिया, अब सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो ये अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा, ये हो गया, इसको गुड्स कर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। इतनी चीजों का लेजर हमने बना लिया, आप चाहे तो कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बना सकते हैं, तो यहां लिखिए कैपिटल अकाउंट, एंटरप्राइज कीजिए और अंडर कैपिटल अकाउंट इसको रखना है हमें, तो यहां से कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये हो गया। इतने चीजों का लेजर बनाने के बाद अब हमें एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले वाउचर में जाएंगे, ये आ गए हम, और F6 प्रेस करेंगे ताकि हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएं, और यहां से हम अब कैपिटल अकाउंट देंगे, हमेशा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, और सपोज कीजिए कि 1,00,000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहां 1,00,000 डाल दिया हमने, और यहां डेबिट कर देंगे कैश को, ठीक है, ये हो गया। नरेशन में आप डाल सकते हैं कुछ, इंटरप्रेस किया हमने तो ये एक्सेप्ट हो गया, यानी 1,00,000 रुपए से काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यानी बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगा दिए गए हैं। अब यहां पर वाउचर में जाइए वापस, अब परचेज वाउचर को एक्टिव कीजिए, यानी कि आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं परचेज वाउचर के लिए, ठीक है, एंटरप्रेस कीजिए और इनवॉइस नंबर यहां पर डाल दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहां पर आप देखिए यहां पर दे रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो डेटर पार्टी का यहां नाम पड़ेगा, तो डेटर पार्टी का नाम यहां डाल दिया हमने, और यहां पे थोड़ा सा हमें एड्रेस सही करना होगा, न्यू कॉलोनी है देवरिया, ठीक है, ये एड्रेस सही कर लिया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ठीक है, और यहां परचेज अकाउंट का लेजर चला जाएगा। अब यहां पर हमें आइटम्स बनाने हैं, तो अल्ट सी प्रेस कीजिए, जैसे सपोज कीजिए कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं, प्राइमरी में रहेगा ये, और यूनिट बना देता हूं मैं पीसेस, ठीक है, जितने पीस कीबोर्ड है खरीदा हमने, PIECES, ठीक है, पीसेस, ठीक है, और यहां पीसेस यहां पे आ जाएंगे, तो ये देखिए यहां पे पीसेस आपको देखने को मिल जाएगा, इसको ले लीजिए आप, और इसको डेसिमल जीरो ही रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, और अभी अल्टर जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे और यहां से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो कीबोर्ड की क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए 50 कीबोर्ड खरीदा हमने, रेट है उसका 120 रुपए के हिसाब से 6000 का कीबोर्ड खरीद लिया हमने। माउस का लेजर बनाएंगे, MOUSE, ठीक है, प्राइमरी रहेगा, इसको भी पीसेस करेंगे, एप्लीकेबल गुड्स, और इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो 400 माउस खरीदे गए हैं, ठीक है, एक माउस की कीमत पड़ी है 90 रुपए, ठीक है, उसके हिसाब से ये कीमत हो गई टोटल की, ठीक है। अब हम यहां पे हेडफोन की बात करेंगे, तो यहां एक लेजर हेडफोन का बनाते हैं, हेडफोन एंटरप्रेस करेंगे, इसको प्राइमरी रखेंगे, इसको भी पीसेज ही कर लेता हूं मैं, कोई और अगर होगा तो आप उसके हिसाब से और भी चीजें दे सकते हैं। अभी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रखेंगे, गुड्स करेंगे यहाँ पे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जैसे हेडफोन, जैसे 20 पीस हमने खरीदा है, ठीक है, और एक हेडफोन पड़ा है 120 रुपए का, तो ये हो गया हेडफोन का हिसाब किताब, ठीक है।
अब हम माइक्रोफोन का एक लेजर बनाते हैं, माइक्रोफोन ये हम खरीद रहे हैं, इसके बाद हम इसको बेचेंगे, तो पीसेज में इसको भी डालेंगे हम और एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए माइक्रोफोन 40 खरीदे गए हैं, एक माइक्रोफोन की कीमत है 100 रुपए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने ये लेजर बना लिए, और अब हमें एक और लेजर बना, कोई भी लेजर बना नहीं हुआ तो Alt C प्रेस कीजिए आप। अब यहां पे लेजर बनाइए IGST, ठीक है, इसको डालेंगे हम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, एंटर प्रेस कीजिए, और इसको जीएसटी है ये, ठीक है, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहां पे करिए इंटीग्रेटेड, और राउंडिंग में जीरो कर दीजिए, या राउंडिंग जीरो कर दीजिए, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा ये, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है, और एंटर प्रेस करके नीचे आइए। अब जैसे यहां पर हम सपोज कीजिए आईजीएसटी तो हमने दे दिया, यहां आईजीएसटी अभी देना नहीं है, यहां एंड ऑफ लिस्ट करेंगे हम, और अब हम यहां पर आएंगे सीजीएसटी का लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी टाइप में जीएसटी रहेगा, और ये रहेगा सेंट्रल टैक्स, और राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग करेंगे इसको, और ये लिमिट में जीरो ही रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए जो हमने टैक्स दिया था सीजीएसटी, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 3388 रुपए ये टैक्स आया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, हमने टैक्स जो दिया था 14%, तो 7% के हिसाब से लगा था। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं कि 48,400 का 7% कितना आएगा, यहां आप देखिए इज इक्वल टू का निशान बनाया मैंने एक्सेल पे, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 48,400 का हमें कैलकुलेट करना है कितना परसेंट, 7%, तो यहां 7% मैं कर देता हूं, और देखिए यहां पे देख सकते हैं आप 3388 रुपए आ रहा है, और यहां पर भी 3388 रुपए आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पे एसजीएसटी का लेजर लगाएंगे, तो देखिए ये इसमें अभी एसजीएसटी बना नहीं हुआ, तो यहां पे Alt C प्रेस कीजिए, एसजीएसटी, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, अंडर जीएसटी में इसको रखेंगे हम, और ये है स्टेट टैक्स, एंटर प्रेस कीजिए, और नॉर्मल राउंडिंग जीरो रखेंगे इसको, और ये एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहां देखिए दोनों सेम सेम टैक्स लगा हुआ है। इसके बाद नीचे आइए और नरेशन में दे दीजिए द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ये खरीदा गया है, एक्सेप्ट करा लीजिए इसको, तो ये हो गया। अब इसको जाके देखेंगे, बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल होता है कहां देखेंगे इसको, तो यहां से बाहर आ जाइए आप, ठीक है, और यहां दो बार डी प्रेस कीजिए, तो ये देखिए यहां पे जो एंट्री अशोक डेप्टर्स की हुई है वो यहां पे हुई है, और जो हमने कैपिटल अकाउंट वाला लेजर बनाया था वो यहां है, तो ये देखिए दोनों चीजें आपको दिख रही है, तो यहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम कहां पे, अब आएंगे हम सेल्स वाउचर में, तो वी प्रेस कीजिए, अब हमको बेचना है, और सेल्स वाउचर में आने के लिए आप F8 प्रेस कीजिए, तो सेल्स वाउचर में आ जाएंगे, आ चुके हैं हम, ठीक है। अब हम इसको बेचेंगे, तो अब क्रेडिटर यहां संडी क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दीजिए, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ठीक है, और यहां सेल्स का लेजर आ जाएगा। सबसे पहले कीबोर्ड बेच दिया जाए, तो ये कीबोर्ड हो गया आपका, क्वांटिटी है 6 कीबोर्ड हम मान लीजिए बेच रहे हैं, ठीक है, और एक की कीमत हम लगा रहे हैं 250 रुपए, ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो गया। अब माउस की बारी है, तो यहां से माउस कर देते हैं, और माउस बेच रहे हैं हम 40 पीसेस, और एक माउस हम बेच रहे हैं 260 रुपए का, या 240 कर देते हैं माउस, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन यहां पे आ जाते हैं, और माइक्रोफोन की कीमत हम 230 रुपए में रखेंगे। यहां पे देखिए नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, नेगेटिव स्टॉक पीसेज है ये, सॉरी, हमने लिया खरीदा इससे कम है और बेच उससे ज्यादा रहा है, जैसे अभी हम 90 पीस ले लेंगे तो ये नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा, ये देखिए 90 पीस से भी कम है, यानी 50 पीसेज ही हैं केवल, तो यहां पे हम करते हैं 20 पीसेज, तो अब नहीं आएगा नेगेटिव स्टॉक, और इसको बेचेंगे हम 220 रुपए का एक, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे टैक्स लगाने की बारी है, तो यहां पे टैक्स कैसे लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे सबसे पहले सीजीएसटी, ठीक है, तो ये सीजीएसटी हो गया आपका, और अब एसजीएसटी लगा दीजिए यहां से,
तो एसजीएसटी यहां से आ जाएगा आपका। तो आपने उस समय टैक्स क्या लिया था, 77% के हिसाब से लिया था। तो 15,500 का मैं निकाल के आपको फिर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे इज इक्वल टू 15,500, मैं एक्सेल पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं, 15,500 × 7%, इसका 7% हमें निकालना है। तो देखिए यहां पे 1,085 रुपए आ रहा है, और आपके टैली में कितना दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं, 1,085 रुपए। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट हो रहा है, और ये प्रॉब्लम आपकी आई होप कि अब सॉल्व हो जाएगी। खासतौर पे लक्ष्मण शर्मा जी, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।